गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हमने बाबर, हुमायूं और अकबर को पढ़ा और अभी पढ़ रहे हैं जहांगीर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जहांगीर का जन्म जो है 1569 और उनके विवाह के विषय में पूरी जानकारी ली हमने। उनकी माता का नाम क्या था? मरियम उज्जमानी या हरकाबाई, जोधाबाई के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। और जयपुर के आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। बचपन का नाम क्या था? शेखो बाबा या सलीम। सलीम क्यों नाम रखा गया उसका? कि फतेहपुर सीकरी में एक शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी, दरगाह थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम क्या रखा? सलीम रखा गया। फिर हमने पढ़ा इनके शिक्षक का नाम, गुरु का नाम, तो गुरु का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। किसके पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना? बैरम खान के पुत्र थे, अकबर के दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। और इनका जब राजारोहण हुआ तो नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर गाजी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है? धर्म रक्षक, मुसलमान रक्षक, धर्म रक्षक। विवाह की बात करें तो पहला विवाह जो हुआ राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। इसे कौन सी उपाधि दी थी उन्होंने? शाह बेगम की, शाह बेगम की उपाधि दी थी। लेकिन सलीम की एक आदत थी शराब पीने की, तो इनके शराब पीने से वो इतनी दुखी हो गई थी कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, शाह बेगम। क्वेश्चन बनता है शाह बेगम के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको? मानबाई। मानबाई को शाह बेगम के नाम से जाना जाता है। इनका एक पुत्र था खुसरो, खुसरो, और ये जहांगीर के पुत्रों में सबसे बड़ा था। और इसने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने के बाद इन्हें कैद कर लिया, नजरबंद कर लिया था, वहां से भी भाग गए, गुरु अर्जुन देव के पास में गए। सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवे गुरु थे, पांचवे गुरु अर्जुन देव के पास में गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको ले, और फिर गुरु को बंदी बना लिया और उनकी फांसी दे दी गई उनको, ठीक। लेकिन इन्होंने फिर भैरवल का युद्ध किया, भैरवल या भैरवल का युद्ध, जिसमें ये पराजित हुए कुल खुसरो, और फिर इनकी दोनों आंखें निकलवा दी गई, अंधा कर दिया गया, और बाद में जो है खुर्रम ने इनकी हत्या कर दी गई। दूसरा विवाह पढ़ा अपन ने मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, जगत गोसाई से हुआ, और इनका पुत्र है खुर्रम, इनका पुत्र है खुर्रम, बड़ा योग्य था। शुरुआत में ये नूरजहां गुट में था, शुरुआत में ये नूरजहां गुट में था खुर्रम। क्यों था? क्योंकि नूरजहां का जो भाई है आसफ खान, नूरजहां का भाई आसफ खान, आसफ खान की पुत्री से इसका विवाह हुआ था, तो इसलिए आसफ खान भी और खुर्रम भी नूरजहां गुट में था। लेकिन बाद में क्या हुआ? नूरजहां की जो पहले पति से प्राप्त पुत्री थी लाडली बेगम, उसका विवाह जहांगीर के अन्य पुत्र शहरयार से कर दिया। तो अब नूरजहां चाहते थे शहरयार दिल्ली का बादशाह बने, तो इसलिए खुर्रम जो है नूरजहां गुट से अलग हो गया था, और बाद में इसने विद्रोह भी किया था। क्लियर ये बात? अब इसके बाद में हम और एक रुखसाना बानू, इनका पुत्र था शहरयार। सलमा बानू, इससे एक पुत्र प्राप्त हुआ था परवेज। नूरजहां के बारे में पढ़ा, 1605 उसका जो विवाह हुआ था शेर अफगान के साथ में हुआ था। इसके पिता का नाम गयास बेग, गयास बेग, और पति का नाम अली कुली बेग, अली कुली बेग। और जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। 1611 में शेर ए अफगान की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, जो भी हुआ। और फिर जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कर लिया, जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कर लिया। कब? 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया, और फिर पूर्ण रूप से वो नूरजहां के चक्रव्यूह में फंस गया। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? संतोष, नहीं पता, कल आए थे? नहीं नहीं आए थे। मेहरुन्निसा,
क्या नाम था? मेहरुन्निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और इसकी माता का नाम अस्मत बेग, अस्मत बेग, और उसने इत्र का आविष्कार किया। अच्छे मतलब ये थोड़ी टैलेंटेड महिला थी कुल मिला के। अपन इनके चरित्र की विशेषताएं पढ़ेंगे नूरजहां की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी आगरे के किले और आगरे का किला और ताजमहल नहीं नदी यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे एक एक पत्थर शिलालेख शिला थी वहां से लेकर आगरे के किले तक एक जंजीर थी और उसमें वो सोने की जंजीर थी और कोई भी उस जंजीर को बजाकर बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबर ने नहीं लगाई, औरंगजेब ने नहीं लगाई, शाहजहां ने नहीं लगाई, किसने लगाई? जहांगीर ने लगवाई थी। कितनी घोषणाएं थी इसमें? 12 घोषणाएं। कुछ परिवर्तन किए उसने, जिसने अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला उसको 3000 का मनसब दे दिया था। अबुल फजल का जो पुत्र है अब्दुल रहमान, अबुल फजल का पुत्र अब्दुल रहमान इसको 2000 का मनसब दे दिया। बड़ा अच्छी नीति थी अकबर ने, वो उसकी हत्या करवा दी किसकी? बैरम खान की, और उसकी विधवा से विवाह कर लिया और उसके पुत्र को पुत्र का दर्जा दे दिया। इसने भी अबुल फजल की हत्या करवा दी और उसके पुत्र को अपने दरबार में मनसब दे दिया। कैसा लगता होगा इन लोगों को, पुत्र को कैसा लगता होगा? मनसब अभी पढ़ेंगे ना। मनसबदारी व्यवस्था सैन्य पद था, सैन्य पद था, इसका मतलब पद या ओहदा, पद या ओहदा, जिसके पास में जितना बड़ा मनसब, वे 2000 का मनसब दे दिया मतलब 2000 सैनिक को अपने पास में रख सकता है, 5000 का मनसब दे दिया मतलब 5000 सैनिक को रख सकता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ में आ गया ना पद या ओहदा। अकबर ने शुरुआत की थी मनसबदारी व्यवस्था। प्रशासनिक परिवर्तन में देखा तो मानसिंह का जो पुत्र है महासिंह उसे भी 2000 का मनसब दिया था और अपने ससुर, अपने मतलब उसके ससुर है ना, नहीं तो ये सोचेंगे अपने कब से हो गए। तो गयास बेग इनको एतमादौला की उपाधि दी थी और उसके नाम से एक मकबरा भी बनाया है और मध्यकालीन इतिहास का पहला मकबरा है जो सफेद संगमरमर से बना है। किसका मकबरा? एतमादौला का मकबरा या गयास बेग का मकबरा। उसके कुछ अवगुण थे, जैसे शराब का शौकीन था ये जो जहांगीर है, वो शराब का शौकीन था। एक जगह लिखा हुआ है उसे, मुझे पीने को एक शेर शराब, पीने के लिए एक शेर शराब और आधा शेर गोश्त मिल जाए, दुनिया से क्या लेना देना। ये उसने ऐसा बोला है, क्या मिल जाए? पीने के लिए एक शेर शराब और आधा शेर गोश्त मिल जाए तो मुझे दुनिया से क्या लेना देना, क्योंकि साम्राज्य तो मैंने नूरजहां को दे दिया है, उसके हवाले कर दिया, सत्ता जो है मैंने नूरजहां के हवाले कर दी। ये क्वेश्चन बनता है कथन कारक में, ये क्वेश्चन बनता है कि ये कथन किससे संबंधित है। जैसे कल मैंने बताया था एक कथन अकबर का, अकबर का एक कथन क्या, अपने बेटे के धड़कते हुए दिल को बहलाने के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता, ये किसका कथन है? अकबर का। तो वैसे ये किसका कथन है? जहांगीर का है। अनारकली के बारे में अपन ने पढ़ा, अनारकली एक नर्तकी थी, इनकी प्रेयसी थी और अकबर इन दोनों के मेल मिलाप को पसंद नहीं करता था। तो एक दिन अकबर ने क्या किया, चोरी छुपके अनारकली को अफगानिस्तान की ओर भेज दिया। बाद में जो जहांगीर है उन्होंने उनके नाम से एक मकबरा बनाया, कहां पर? लाहौर में, 1615 में। क्या लिखा है उसके ऊपर? उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अल्लाह मुझे उसे एक दिन देखने की मोहलत दे देता, एक बार उसकी शक्ल दिखा देता, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं कयामत के दिन तक उनका शुक्रगुजार रहता। ऐसे शब्द कहाँ पे लिखे हैं? अनारकली के मकबरे पर जो कि लाहौर में। यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो
तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ये लिखा हुआ है अनारकली के मकबरे पर। वास्तविक नाम क्या बताया था मैंने? अनारकली का नादिर। अभी सुनते हैं कि आप लोग नादिर कई नाम सुना है आपने? भोपाल के बस स्टैंड का नाम है नादरा बस स्टैंड, नादरा। ये क्वेश्चन पूछा गया पटवारी के एग्जाम में। कभी कभी इतने सरल सरल से क्वेश्चन होते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता, पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके जहांगीर के समय में पहला विद्रोह अपन ने खुसरो का विद्रोह पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। भैरावल का युद्ध, भैरावल मतलब जालंधर, पंजाब वाली बात कर रहे हैं। पांचवा गुरु अर्जुन देव, इनको फांसी दे दी गई। नूरजहां के बारे में पढ़ा, इनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा। 1611 में जहांगीर ने इससे विवाह किया था। फिर जुंता गुट पढ़ा, नूरजहां गुट, उसमें एतमादुद्दौला, अस्मत बेगम, नूरजहां, ये तीन मुख्य थे। आसफ खान और खुर्रम, आसफ खान खुर्रम कुछ समय तक थे, बाद में ये दोनों अलग हो गए थे। फिर इन दोनों के स्थान पर कौन शामिल हुआ? शाहजहां, शाहजहां इसमें शामिल हुआ था। नूरजहां पारसी गयास बेग की पुत्री, अस्मत बेगम उनकी माँ का नाम, इत्र का आविष्कार उन्होंने किया था, भाई का नाम आसफ खान, पति का नाम पारसी था अली कुली बेग। जहांगीर ने उसे शेर ए अफगान की उपाधि दी थी। किसने हत्या की थी इसकी? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी थी। अब नूरजहां की विशेषताएं देखी, हम लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि कैसे कि कहां क्या करना है। जैसे ही आसफ खान ने अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम से करवाया, उसने अपनी पुत्री का विवाह शहरयार से करवा दिया कि कोई उससे आगे नहीं कर पाए। देखा कि महावत खान का जो वर्चस्व है वो बढ़ते जा रहा है, तो उसे दिल्ली से बाहर बंगाल बिहार तक भेज दिया और हिसाब मांग रहे, बताओ तुमने कितना जीता कितना हारा। ये तीक्ष्ण बुद्धि कहेंगे ना इसे, ठीक। तो वो समय के अनुसार निर्णय लेते थे कि कब क्या करना है। दूसरा, समस्याओं के रहस्यों को क्षण भर में समझ जाते थे, कहां परेशानी हो रही है। जहांगीर तो नशे में रहते थे, शराब पीते रहते थे, लेकिन जो भी राजकांज के जो भी कार्य करना है वो किसको करना था? नूरजहां को ही करना था। उच्च शिक्षा प्राप्त, शिक्षित थी। अकबर के बारे में पढ़ा ना अपन ने, कितना पढ़ा लिखा था? कुछ भी नहीं, अशिक्षित, अनपढ़, अनपढ़ बादशाह बोला जाता है उन्हें, लेकिन ये बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त थी। कविता संगीत चित्रकला में रुचि थी, कविता संगीत और चित्रकला में रुचि थी। मुगल बादशाहों की एक खासियत है कि कलाकार थे वो लोग। जैसे अकबर के बारे में पढ़ा, नगाड़ा बजाता था, औरंगजेब वीणा बजाता था, शाहजहां स्थापत्य कला का शौकीन था। स्थापत्य कला मतलब जो निर्माण कार्य जो है, जैसे ताजमहल बनाया उसने, दिल्ली का लाल किला बनवाया, ऐसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में बड़ा ही निपुण था वो, बहुत महान निर्माता माना जाता है उसे। वैसे जहांगीर में क्या खासियत थी जी? चित्रकार था। क्या था? चित्रकार, बहुत बड़ा चित्रकार था वो। यदि मान के चलो आप 6 लोगों 7 लोगों को बुलाया, बोला कि एक चित्र बना दो, फिर जहांगीर को बुलाते थे तो जहांगीर बता देता था कि ये वाला इसने बनाया, ये पार्ट इसने बनाया, ये पार्ट इसने बनाया, चाहे एक ही चित्र सब लोगों ने मिलकर क्यों ना, मतलब इतना चित्रकारी का वो पारखी था। अबू सबंद, मंसूर, ये ऐसे चित्रकार थे जो उसके दरबार में रहते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पास में भी वो गुण थे। तो कविता संगीत चित्रकला आदि में रुचि थी। आभूषण श्रृंगार के आविष्कारक, जैसे उनकी माता ने इत्र का आविष्कार किया था, ऐसे इन्होंने श्रृंगार सामग्री में ढेर सारे आविष्कार किए हुए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है? महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। योग्यता तो सबके अंदर होती है, कमी काहे की रहती है? महत्वाकांक्षा की, इच्छा शक्ति की, चाहते ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सके, तो महत्वाकांक्षी थी। आज हमें पढ़ना है खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम, खुर्रम का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह, और वो हुआ है 1623, 1623, 1623। अब यह सोचने लायक बात है, हम बात करेंगे नूरजहां की। नूरजहां को समझना पड़ेगा यहाँ पे। नूरजहां महत्वाकांक्षी पढ़ा अपन ने,
तीक्ष्ण बुद्धि पढ़ापन इनकी विशेषता थी। अब नूरजहां को जैसे लगता था कि ये प्यादा बहुत ऊपर उठ रहा है, तो अब इसको दिल्ली से दूर भेजने की जरूरत है। अब खुसरो जो है उसका पतन हो चुका है, अब खुर्रम है ये बड़ा है, अब इसके बाद में शहरयार तो अल्पायु है, बहुत कम उम्र का है, और नूरजहां चाहती है कि शहरयार वास्तविक शासक बने, सम्राट बने। तो महावत खान पक्ष लेता था तो उसको कहां भेज दिया, बंगाल की तरफ। अब इसको कहां भेज दिया था पहले, दक्षिण, दक्षिण में भेजा था, दक्षिण में किसको दबाने के लिए, किसके विद्रोह को, मलिकम्बर, मलिकम्बर। लेकिन इन्होंने क्या किया, समझौता कर दिया और जल्दी से वापस आ गया। अब उनको लग रहा था कि उधर ही उधर उलझा हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहां समझौता किया, तुरंत ही वापस आ गया। जहांगीर तो पिता है बड़ा खुश, और उसे शाहजहां की उपाधि दे दी, उसका मान सम्मान में और अधिक वृद्धि हुई। नूरजहां को ऐसा लगा कि मेरा पासा क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब क्या किया जाए, बोले इसको कंधार भेज दो। कहाँ भेज दो, कंधार भेज दो। खुर्रम को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। तो ये कारण था विद्रोह का, लिखेंगे इसमें खुर्रम द्वारा कंधार विजय की आज्ञा की अवहेलना करना। खुर्रम द्वारा कंधार विजय की आज्ञा की अवहेलना करना। क्या आदेश दिया उसे कि अब आप जाओ और कंधार जाकर वहां जीतो और उसे अपने साम्राज्य में शामिल करो। और इसको लगा कि ये तो गलत हो रहा है, तो इसने उसकी अवहेलना कर दी, आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब शाही आदेश है वो सबके ऊपर एक जैसा लागू होता था, तो ये कहां चले गए। अब इनका जाना पहचाना एरिया कौन सा था, जाना पहचाना एरिया कौन सा था, दक्षिण, क्योंकि दक्षिण में वो समझौता करके आए थे। तो दक्षिण में जाकर फिर इन्होंने दक्कन में जाकर विद्रोह कर दिया, दक्कन में जाकर विद्रोह कर दिया, दक्कन में जाकर विद्रोह कर दिया। जाने से पहले उसने अंधे खुसरो की हत्या कर दी, अंधे खुसरो की हत्या कर दी, अंधे खुसरो की हत्या कर दी। अपन ने पढ़ा भी था 1622 में उसने खुसरो की हत्या कर दी थी, तो खुसरो की हत्या भी कर दी उसने और दक्षिण में जाकर विद्रोह भी कर दिया। जहांगीर द्वारा महावत खान को, महावत खान को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, दबाने के लिए भेजा। अब जो भी बात हुई वो महावत खान और खुर्रम के बीच में, लेकिन समझौता हो गया और इसने विद्रोह बंद कर दिया, विद्रोह बंद कर दिया, और दोनों आगरा पहुंचे। अब नूरजहां वहां पे भी, कि नूरजहां उनकी तो ये साजिश थी कि इसकी हत्या हो जाए, ये हो जाए, या इसे भी जैसे खुसरो को अंधा करवा दिया था ऐसा इसके साथ में कुछ हो जाना चाहिए, ऐसे नूरजहां की साजिश थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर उसको गुस्सा किसके ऊपर आया, महावत खान के ऊपर, क्योंकि महावत खान को भेजा था कि उसको ये कर देना, वो कर देना, पराजित कर देना, लेकिन वो समझौता करके वापस ले आया। तो महावत खान को उसने वहां से निकालने की कोशिश की। तो अगला जो होगा वो होगा महावत खान का विद्रोह, महावत खान का विद्रोह। तीन विद्रोह महत्वपूर्ण है और ये है 1626। ये पढ़ लिया होगा कल अपन ने महावत खान का विद्रोह, क्या किया था महावत खान ने, इसे महावत खान को क्या हुआ था, बंगाल बिहार जाने का आदेश दिया, साथ ही उसने वहां से जो खजाना लुटा हुआ था उसका हिसाब भी मांगा। महावत खान ने इसे अपना अपमान समझा और विद्रोह कर दिया। जहांगीर और नूरजहां कहां जा रहे थे, काबुल, काबुल जा रहे थे, रास्ते में उनको
नजरबंद कर दिया, बंदी बना लिया। और वो वैसा कोई उसका इरादा गलत नहीं था, उनको मारने का ये वो इरादा नहीं था, बस वो अपने बेगुनाही का सबूत दे रहा था, ये बोल सकते हैं उसे कि वो पूछना चाह रहा था कि मेरे साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। शाही सेना के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया बाद में महमूद खान ने, और जहांगीर ने भी उसे माफ कर दिया। और फिर महमूद खान को समझ गया कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, वो सीधा दक्षिण में खुर्रम के पास गया और उसके साथ में मिलकर रहने लग गया। पढ़ लिया अपन ने कहा। अब इसका साम्राज्य विस्तार देखते हैं। साम्राज्य विस्तार जहांगीर का साम्राज्य विस्तार, तो सबसे पहला है कंधार विजय। कंधार विजय यहां से क्वेश्चन बना है कई बार। कंधार विजय 1606 व्यापारिक एवं सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। मिर्जा गाजी को अभियान के लिए भेजा। विजय स्थाई नहीं थी। कंधार जहांगीर के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। अब देखो हम काबुल कंधार की बात करते हैं, तो बाबर उसी को जीतते हुए भारत आया। बाद में हुमायूं ने साम्राज्य विभाजन किया तो ये किसको दे दिया, कामरान को दे दिया। बाद में हुमायूं का कामरान से संघर्ष हुआ इसी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। फिर अकबर के समय में ये रहा, तो कंधार जो है कभी मुगलों के पास में रहा कभी नहीं रहा, इन्होंने बार बार उसके लिए अभियान किए। लेकिन जहांगीर के समय में कंधार हमेशा के लिए इनके हाथ से निकल गया। फिर आगे कोई भी शासक कंधार को मुगलों के अधीन नहीं कर पाया। जहांगीर ने तो किया था लेकिन विजय स्थायी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद में वापस वहां के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन फिर कोई मुगल बादशाह उसे अपने कब्जे में नहीं कर पाया। ये क्वेश्चन बनता है कि कंधार किसके शासनकाल में हमेशा के लिए मुगलों के कब्जे से निकल गया। उसमें ऑप्शन दिए रहते, फिर औरंगजेब है, जहांगीर है, हुमायूं है, बाबर है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते कि किसके समय में, जहांगीर के समय से। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ विजय। और मेवाड़ विजय की बात करेंगे हम 1605। देखो मेवाड़ में अपन ने पढ़ा उदय सिंह ने क्या किया था, बिना लड़े हुए ही छोड़ दिया था, जंगलों में चला गया। फिर उसके बाद में उसका पुत्र महाराणा प्रताप ने इसे बचाया था, तो संघर्ष किया। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ और पराजित होने के बाद में भी उसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, और मृत्यु के पहले पहले तक अपने पूरे खोए हुए साम्राज्य को 1597 में उसकी मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की, पढ़ाना था 1597 में, 57 वर्ष की उम्र में 1597 में उनकी मृत्यु हुई, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए जख्मी होकर। तो तब तक उन्होंने अपने साम्राज्य को लगभग वापस प्राप्त कर चुका था। और महाराणा प्रताप के बाद में कौन बनते हैं, राणा अमर सिंह ने भी कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर उन्होंने जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई देखा कि जहांगीर तो शराब और इसमें ही है, फिर उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जहांगीर ने फिर उसे वापस प्राप्त करने का प्रयास किया। तो 1605 में देखेंगे अपन, 1605 में अकबर ने परवेज को भेजा, वह राणा अमर सिंह के बीच में
1605 में अकबर परवेज को भेजा, वह महाराणा अमर सिंह के बीच में एक झड़प हुई जिसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं निकला, अंतिम निर्णय नहीं निकला। ये 1605 की घटना है। फिर 1608 में अलग अलग अभियान में 1605 में कौन गया था? परवेज। 1608 महावत खान अभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की महाराणा अमर सिंह ने। 1609 में भेजा है नया अभियान अब्दुल्ला खान 1609 अब्दुल्ला खान। 1613 खुर्रम 1613 खुर्रम और 1615 ये याद हो या ना हो, ये याद होना चाहिए। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगलों के मध्य संधि हुई। राणा अमर सिंह और मुगलों के मध्य संधि हुई। अभी क्वेश्चन बनता है, राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की? तो 1615 शुरुआत में उसने संघर्ष किया लेकिन अंत में उसे अधीनता स्वीकार करना पड़ा। राणा अमर सिंह कब? 1615। जो संधि हुई उसमें शर्तें क्या थी? राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली अगला लिखेंगे राणा को स्वयं न जाकर अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजना था। करण सिंह को मुगल दरबार में भेजना था। अगला तीसरी शर्त, महाराणा को चित्तौड़गढ़ का किला वापस दे दिया गया किंतु सुदृढ़ नहीं करवा सकते। मतलब जो किला जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, अपने बचाव के लिए अपनी सुरक्षा के लिए उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। ये शर्त के साथ में जैसा है वैसे ही रहेगा, ये इस शर्त के साथ में वापस दे दिए। ये तीन महत्वपूर्ण शर्तें थी। कुछ अन्य और भी शर्तें थी, जैसे अभी तक क्या होता था कि जिस भी राजपूत राजा से इनका समझौता होता था तो उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। जैसे अपन ने भगवान दास के बारे में पढ़ा, भारमल के बारे में पढ़ा, मान सिंह के बारे में पढ़ा, तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लेकिन यहाँ शर्त थी कि ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी कि हमारे परिवार के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करो, ऐसा कोई ऐसी शर्त इसमें नहीं थी। क्लियर हुई? तो राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच में कब समझौता हुआ? 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होना था, उसे अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजना था। तीसरी शर्त क्या थी? कि उन्हें चित्तौड़गढ़ का किला वापस दे दिया लेकिन इस शर्त के साथ में कि आप इस पर सुदृढ़ नहीं कर सकते, कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। एक और शर्त,
कि वैवाहिक संबंध जैसी कोई शर्त इसमें नहीं थी। आगरे के किले के सामने दो मूर्ति अपन ने पढ़ी, किसकी है? मुख्य द्वार के सामने जयमल और फतेह सिंह की है। जयमल और फतेह सिंह ही था उसकी मूर्तियां थी। ये जो उदय सिंह के जो दो सिपाही थे जो लड़ते रहे थे, तो आगरा के किले के मुख्य द्वार पर है। लेकिन आगरा के किले में एक उद्यान है, वहां पर दो मूर्तियां हैं, तो वो किसकी है? राणा अमर सिंह और उसके पुत्र करण सिंह, ये भी लिखेंगे। जहांगीर ने आगरा की राजमहल के उद्यान में राणा अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियां रखी है। आगरा के किले के उद्यान में दो मूर्तियां रखी है, एक राणा अमर सिंह की है और करण सिंह की। अब हम पढ़ेंगे इसका दक्कन अभियान। दक्कन अभियान एक सरल से क्वेश्चन पूछते हैं पंकज जी आपसे, जवाब दे दोगे। किसको भेजा था इसके लिए उसने जहांगीर ने दक्कन अभियान के लिए? बाद में उसने वहां जाके विद्रोह भी किया था। ऑनलाइन वाले बताए, खुर्रम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों का सही जवाब है, खुर्रम को भेजा था उसने। तो दक्कन अभियान में अपन शासकों की बात करते हैं, कौन कौन से साम्राज्य थे उधर? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, खानदेश, बरार, ये पढ़ा ना अपने अकबर के समय में भी पढ़ा था। अहमदनगर शासिका कौन थी? चांदनी, और इसके ऊपर तो उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर बाद में जैसे ही ऊपर सत्ता बदलती है, नीचे वाले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहमदनगर विजय और अहमदनगर के अधीन बीजापुर। तो अहमदनगर विजय, अहमदनगर व बीजापुर विजय की बात करते हैं। अहमदनगर व बीजापुर विजय, घटनाएं 1605 की। और 1608 अब यहां महाराष्ट्र में एक नई शासन सत्ता इसके बाद में स्थापित होती है। यहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद में शुरू हो जाएगा मराठों का वर्चस्व। धीरे धीरे पेशवाओं का उदय होगा, छत्रपति का उदय और छत्रपति के बाद में पेशवा, तो मराठों का वर्चस्व वहां पर स्थापित होना शुरू हो जाएगा। अगला जो टॉपिक होगा जब औरंगजेब पढ़ेंगे तब हम मराठों को भी पढ़ेंगे। तो पेशवा मलिक अंबर से गठबंधन कर खान खाना को बुरहानपुर वापस भेजा गया। ये एक लाइन बहुत ही शॉर्ट में हो गई है, उसको अच्छे से समझेंगे। तो मलिक अंबर से निपटने के लिए किसको भेजा पहले? अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। अभी खुर्रम को नहीं भेजा 1608 में, पहले अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा है। अब्दुल रहीम खान खाना वो गया, मलिक अंबर से गठबंधन भी किया उसने और बुरहानपुर चला गया, लेकिन कोई स्थायी निर्णय नहीं निकला। तो उसके बाद में किसको भेजेंगे वहां पर? खुर्रम को भेजेंगे। 1617 ईस्वी में खुर्रम को भेजा। खुर्रम ने संधि की मलिक अंबर से,
और शाहजहां ने सॉरी जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी। ये सन याद रखना है 1617 शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। अब और कुछ विशेषताएं देखते हैं मलिक अंबर के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मलिक अंबर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मलिक अंबर मेंस का क्वेश्चन है ये। मलिक अंबर कौन था, क्या था, किसने खरीदा, किसने बेचा, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है। तो कौन था? अभिसीनिया निवासी हब्शी परिवार से संबंधित अभिसीनिया निवासी हब्शी परिवार से संबंधित। जैसे मलिक याकूत के बारे में पढ़ा ना अपन ने, सेम वैसे ही है। अभिसीनिया निवासी हब्शी परिवार से संबंधित। ख्वाजा बगदादी ने खरीद कर अहमदनगर के सुल्तान को दे दिया। मुर्तजा निजाम शाह, अब अगली लाइन में लिखना है, मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को मलिक अंबर ने अहमदनगर का सुल्तान बनाया। अब देखो स्थिति कितनी बदल गई। उसका इतना महत्वपूर्ण कि वो नृप निर्माता बन गया, मतलब राजा नहीं है वो, लेकिन राजा बनाने वाला है। बड़ा कौन है? राजा बनाने वाला, नृप निर्माता जिसे कहते हैं। तो ऐसे कई लोग आएंगे, मुगलों के समय में भी आएंगे, अली बंधु जो कि राजा सैयद बंधु आएंगे जो कि नृप निर्माता की उपाधि मिलेगी। तो ऐसे मलिक अंबर का इतना अधिक वर्चस्व था अहमदनगर में, वो जब चाहे तब जिसको चाहे उसको वो सुल्तान बना सकता था। जैसे अपन ने मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में किसको देखा? बलवन को देखा था। बलवन ने परिवर्तन किया, ठीक, फिर वो खुद ही सुल्तान बन गया था। तो ऐसे मलिक अंबर की भी यही स्थिति अहमदनगर में थी, और उसने अपने पसंदीदा व्यक्ति को अहमदनगर का सुल्तान बनाया, और उसका नाम क्या था? मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को अहमदनगर का सुल्तान बनाया। मराठों के सहयोग से बरार, बालाघाट व अहमदनगर के आसपास के क्षेत्र को जीत लिया। उसे नृप निर्माता की उपाधि दी गई। एक शब्द है इसे समझना है, वर्गीगिरी। किसी ने पढ़ा है क्या ये शब्द? वर्गीगिरी। शिवाजी की युद्ध पद्धति कौन सी थी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। क्या बोला गया है शिवाजी को? पहाड़ी चूहा। क्या बोला गया है? पहाड़ी चूहा। दक्कन का क्षेत्र कैसा है? ऊपर का पठारी क्षेत्र,
पहाड़ी क्षेत्र है पूरा दक्कन, ये दक्कन का पठारी तो बोलते ना उसको। और झाड़िया शिवाजी क्या करते थे, अपने घोड़ों पर बैठ के आते थे, चुपके से वार करते थे, दुश्मन को संभलने का मौका मिलता उससे पहले वार करके भाग जाते थे। तो समझ में ही नहीं आता था कि कविता यहाँ बैठी है, दुश्मन इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, आया इधर से आएगा, और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं। आए, हमला किया और चले गए, हमला किया और चले गए। अब उनके बारे में कोई प्लानिंग भी नहीं कर सकता था कि वो कहाँ से आएंगे, कब आएंगे और किधर से आएंगे। अब ऐसी कोई घोषणा तो थी नहीं कि भाई आ जाओ पानीपत के मैदान में 12:30 बजे वहां युद्ध करेंगे, ऐसी कोई प्लानिंग होती थी क्या? नहीं। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन यह बनता है कि शिवाजी ने जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है वो किससे सीखी, किससे सीखी थी? तो उत्तर क्या होगा भाई संतोष? मैंने नहीं सिखाया, मैं तो आपको सिखा रहा हूं, ऐसे मत देखो मेरे इधर, इतने घूर के देख रहे हो जैसे मैंने सिखाया हो उसको। मलिक अंबर, कितना सरल क्वेश्चन पूछा, मलिक अंबर से सीखा था उसने। लेकिन मलिक अंबर उसे क्या बोलते थे, वर्गीगिरि। और मराठों ने क्या शब्द इस्तेमाल किया उसके लिए, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। ठीक है, तो लिखेंगे सैन्य सुधार किए उसने, सैन्य सुधार किए, मराठों को सेना में भर्ती किया, मराठों को सेना में भर्ती किया, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रशिक्षण दिया सैनिकों को, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सैनिकों को प्रशिक्षण दिया, वर्गीगिरि को जरा डैश लगा के डिटेल में लिखेंगे, छिपकर की जाने वाली, छिपकर या छुपकर की जाने वाली लड़ाई को दक्कनी भाषा में वर्गीकृत करते हैं, दक्कन में। हो गया यहां तक? टोडरमल की, टोडरमल की दहशाला पद्धति को, दहशाला पद्धति को, दहशाला पद्धति को दक्षिण में अपनाया, ये क्वेश्चन भी बना है, एग्जाम में पूछा गया है कि दक्कन का टोडरमल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बना था एक बार, किसे कहते हैं? मलिक अंबर कहते हैं। जो टोडरमल की दहशाला पद्धति, यहाँ अपन ने उसको स्किप कर दिया इसलिए थोड़ी सी समझने में कठिनाई हो रही होगी, कि मुगल बादशाह अकबर 50 साल तक लंबा शासन किया, तो इस समय इसका राजस्व का देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी कौन था? टोडरमल था। नवरत्नों में पढ़ेंगे अपन इसको, टोडरमल, मैंने वीडियो डाला भी था, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों की मर्जी। टोडरमल, टोडरमल ने क्या किया था, दहशाला पद्धति अपनाई थी, दहशाला मतलब 10 साल कि पिछले 10 साल का कृषि का उत्पादन देखते हैं कि कोई खेत है, जैसे इनके पास में 10 एकड़ खेत है, तो पिछले 10 साल का उसका अनुमान लगाते हैं 10 साल में कितना उत्पादन हुआ और उसके औसत के आधार पर राजस्व निर्धारित कर देते, स्थायी कर देते फिर कि अब तुम्हें इतना राजस्व हमेशा देना है, तो इसे क्या कहते हैं, दहशाला पद्धति, दहशाला पद्धति। अंग्रेज भी बाद में इसी को लागू करेंगे, लेकिन वो किस रूप में, स्थाई बंदोबस्त के रूप में लागू करेंगे, लेकिन सबसे पहले टोडरमल ने दहशाला पद्धति अकबर के समय लागू की थी। लेकिन दक्कन में कौन लेके गया इसे, मलिक अंबर। तो इसलिए मलिक अंबर को क्या कहते हैं, दक्कन का टोडरमल कहा जाता। अब जहांगीर की मृत्यु जो है वो 1627, जहांगीर की मृत्यु 1627,
अब जैसे बाबर की मृत्यु 1530 और उसका मकबरा कहाँ है? पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, फिर मकबरा कहाँ बनाया? काबुल में, उसकी पसंदीदा जगह काबुल, ठीक। फिर उसके बाद में हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में, दीनपना नगर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। अकबर का कहाँ पर है? सिकंदरा में, ठीक। शेरशाह का कहाँ पर पड़ा अपन ने? सौसराम बिहार। ऐसे ही जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा अपन ने पढ़ा कि वो कहाँ जाना चाह रहा था? लाहौर है, तो उसका है रावी नदी के किनारे शाहदरा लाहौर में। 1627 में उसकी मृत्यु हुई और उसका मकबरा कहां पर है? रावी नदी के किनारे शाहदरा लाहौर में। अब उनके कुछ विशेषताएं देखते हैं और जहांगीर के विषय में। धार्मिक नीति के संबंध में उसके बारे में पढ़ते हैं, जहांगीर की धार्मिक नीति। 1612 में कुछ बातें नोट करेंगे इसको। 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ किया, मतलब रक्षाबंधन का त्योहार तो पहले से चल रहा था लेकिन शाही परिवार में तो नहीं मनाते थे, ये राजमहल में तो नहीं मनाते, लेकिन अब उसने राजमहल में शाही परिवार में ये त्योहार मनाना शुरू किया। कब से? 1612 से। स्वयं ने राखी बंधवाई। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मुगल बादशाह शाही परिवार में राखी के त्योहार मनाने की अनुमति दी थी या स्वयं ने राखी बंधवाई थी, तो कौन जानते हैं। दिवाली पर जुआ खेलने की इजाजत दी। गौ हत्या निषेध परंपरा लागू की, मतलब गौ हत्या निषेध का आदेश दिया उसने। दो दिन का था उसका, वैसे जैसे गुरुवार वीरवार जिसे कहते थे वो लोग, गुरुवार और रविवार के दिन उसने पशु हत्या पर बेन लगा दिया था, लेकिन गौ हत्या किसी भी दिन बंद थी। गौ हत्या के ऊपर उसने निषेध बोला था, गौ हत्या। श्रीकांत नामक हिंदू को ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। मेरे नोट्स में वही क्वेश्चन वही पॉइंट लिखे हुए रहते हैं जो किसी एग्जाम में पूछे गए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीकांत नामक हिंदू को न्यायाधीश नियुक्त किया। कान छिदवाना, रत्न पहनना जैसी परंपराओं की शुरुआत की। कविता मैडम आप बताएं, कुछ कवियों के नाम बताओ जो बहुत प्राचीन समय से है और जिनकी कविताएं आपने पढ़ी हैं। कुछ कवियों के नाम बताओ जिनकी कविताएं आपने क्लास में पढ़ी है, पुराने समय के हैं। नए समय मैथिली शरण गुप्त की बात नहीं कर रहा मैं, सुमित्रनंदन पंत की बात नहीं कर रहा, आधुनिक काल की मध्यकाल के कवियों की बात कर रहा हूँ। और सुना है आपने, पढ़ा भी है? गुड, कालिदास। और कालिदास प्राचीन कालीन है? तुलसीदास। कौन? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ये मध्यकाल में सूरदास और तुलसीदास दो महत्वपूर्ण है मध्यकाल के। कालिदास प्राचीन काल के हैं,
वो तो गुप्त काल के थे, उससे पहले के, ठीक। लेकिन सूरदास और तुलसीदास, जो अकबर का काल जो है ना, वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, माना जाता है अकबर के काल को, तो उस समय तुलसीदास थे। अकबर के समकालीन है तुलसीदास और जहांगीर के समकालीन है सूरदास। सूरदास तो जैसे रामचरितमानस की रचना जो हुई अवधी भाषा में, तुलसीदास ने किया, किसके समय में किया, अकबर के समय में किया। तो वही सूरदास की एक रचना है सूरसागर, सूरसागर है, सूरसागर, सूरसारावली। तो इसकी रचना जो है वो जहांगीर के समय में हुई, जहांगीर के साम्राज्य में, जहांगीर के राजाश्रय में रहकर की है। तो लिखेंगे सूरदास को आश्रय दिया जिसने सूरसागर की रचना की, सूरसागर की रचना की। क्लियर है यहां तक? लेकिन कुछ विरोधी काम भी किए उसने हिंदू धर्म के, धार्मिक नीति के अंतर्गत। देखो विरोधी काम क्या है, क्या किया उसने। अब अपन ने एक जगह तो पढ़ा कि गौ हत्या पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये काम सुनिए क्या क्या होता है, सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, काम सुनिए क्या। अरे मतलब पहले तो बहुत बुरे काम किए हो, फिर उसमें अच्छा काम करके आप बता रहे हो कि मैं कितना महान। तो ऐसे कुछ कमियां यहां पर भी है, जैसे कांगड़ा किला जीतकर, कांगड़ा किला जीतकर गाय काटकर जश्न मनाया, ऐसा उल्लेख मिलता है, तो ये तो गलत है। गाय काटकर जश्न मनाया, दूसरा उल्लेख मिलता है उन हिंदू राजाओं की हत्या की, उन हिंदू राजाओं की हत्या की जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं से विवाह किया था, मुस्लिम महिलाओं से विवाह किया था। अजमेर की, अगला तीसरा पॉइंट है ये, अजमेर की वराह मंदिर की मूर्ति को तोड़कर तालाब में फेंक दिया था। अब तुम राखी का त्योहार मनाओ और मंदिरों को तोड़, तो गलत है। अजमेर की वराह मंदिर की मूर्ति को तालाब में फेंक दिया था। पुर्तगालियों से युद्ध के दौरान गिरजाघर बंद कर दिए। जैन संप्रदाय के लोगों को या जैन अनुयायियों को, अगला पॉइंट है, जैन अनुयायियों को गुजरात से बाहर कर दिया, गुजरात से बाहर कर दिया था। अब देखो पुर्तगालियों की बात की अपन ने, तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे, विदेशी कंपनियों की बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, उसके बाद में डच आए, डच के बाद में अंग्रेज आए, और अंग्रेज के बाद में फ्रांसीसी, अंग्रेजों के बाद में कौन आए थे, फ्रांसीसी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1599 में मिलती है। वैसे अपन बड़े अच्छे से पढ़ेंगे ये विदेशी कंपनियों का आगमन, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा इस कॉन्टेस्ट में पढ़ना है अपने को
कि जहांगीर के समय में कौन आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, निजी कंपनी थी ये। और वो जब भारत में आए तब भारत में शासक कौन था, अकबर। अकबर का शासन था 1602 में। तो वहां का जो सम्राट था जेम्स प्रथम, उसने अकबर के नाम का पत्र दिया अपने कंपनी के अधिकारियों को कि जाओ तुम ये पत्र दिखाना सम्राट अकबर को और वहां पर कंपनी खोलने की अनुमति ले लेना, मेरा पत्र देखकर वो दे देंगे। निकला कब था, 1605 में। जब आया 1608 में तो कौन मिला उसको, जहांगीर मिला। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कहानी के रूप में बताया लेकिन महत्वपूर्ण है। किसके नाम का पत्र लेके आया था, अकबर के नाम का, लेकिन मिला कौन, जहांगीर। तो सबसे पहले भारत में आने वाला अंग्रेज यदि कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, तो वो था कैप्टन हॉकिंग्स। और ये कब आया था, 1608 में, कैप्टन हॉकिंग्स 1608 में। ये जहांगीर से मिला, जहांगीर ये दुभाषिया था, मतलब फारसी भी जानता था और अंग्रेजी भी जानता था, दुभाषिया था। तो जहांगीर का तो काम ही जम गया, बढ़िया, दोनों भाषा जानता था। तो जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन भी बना है। जहांगीर ने किस अंग्रेज अधिकारी को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो किसको दी थी, कैप्टन हॉकिंग्स। कब आए थे, 1608 में। किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। किसके नाम का पत्र लेके आया था, अकबर का। ये सबसे पहले कहाँ गया, आगरा। आगरा गया था लेकिन आगरा में नहीं थे ये जहांगीर, आगरा में नहीं थे उस समय, अजमेर में थे। तो अजमेर में जाकर मिला था ये, अपन उसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जब आधुनिक काल पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तब। अभी तो ये याद रखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अधिकारी हॉकिंग जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था, और जहांगीर ने इसे काय की उपाधि दी, इंग्लिश खान की। क्यों दी थी, क्योंकि ये दुभाषिया था, दोनों भाषाएं बोलता था। 400 का मनसब भी इसे प्रदान किया था जहांगीर ने, इसे सेना रखने का भी अधिकार दे दिया, 400 का मनसब भी प्रदान किया था। अब दूसरा अधिकारी कौन आया था, सर टॉमस रो, ये क्वेश्चन भी बनता है। दूसरा अंग्रेज अधिकारी कौन आया था, सर टॉमस रो, और ये आया था 1615 में, 1615। जहांगीर की आत्मकथा देखते हैं, तुजू की जहांगीर, उसकी जो आत्मकथा है स्वयं ने लिखी है, तुजू की जहांगीर, तुजू की जहांगीर फारसी भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में लिखी है तुजू की जहांगीर। क्लियर, हमने किसको पढ़ा अभी, जहांगीर को। 1605 में शासक बना और 1627 ईस्वी तक ये शासक बना रहा। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना अपन ने पढ़ी, तो वो था नूरजहां से विवाह। कब किया था, 1611 में नूरजहां से इसने विवाह किया और सारी शासन सत्ता उसके हाथ में सौंप दी थी। इसके समय में दो तीन विद्रोह हुए, एक सबसे पहला हुआ था खुसरो का विद्रोह, दूसरा खुर्रम का विद्रोह, तीसरा महावत खान का विद्रोह। इसके समय में एक हिंदू भी था जिसे न्यायाधीश नियुक्त किया था, नाम था श्रीकांत। क्या नाम था, श्रीकांत। ठीक, अब हमें पढ़ना है मुगल बादशाह महान निर्माता और क्या है, शाहजहां। जैसे जहांगीर तो उसका उल्टा शब्द है शाहजहां, जहां
उसमें पायलट था, इसमें आखिरी में शाह यानी राजा, विश्व का सुल्तान, इसका मतलब भी वही है। जैसे जहांगीर का मतलब था वही का वही मतलब शाहदार का भी है, विश्व का सुल्तान। ठीक, कब विद्रोह किया था इसने जहांगीर के समय में? 1623 में, 1622-23 में इसने विद्रोह किया था। कहां जाने के लिए भेजा था इसे? नहीं जी, इसे कंधार जाने के लिए भेजा था, काबुल कंधार जाने के लिए बोला था, लेकिन उसने सोचा कि इसमें कोई साजिश हो सकती है, तो इसलिए वो उधर न जाके दक्कन गया और वहां जाकर विद्रोह कर दिया था। फिर उसे दबाने के लिए महावत खान को भेजा, महावत खान ने समझौता कर दिया, तो फिर महावत खान के साथ में भी ऐसे ही कुछ अत्याचार किया था। शाहजहां के समय की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है ताजमहल। क्या है? ताजमहल किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। कहां पर है संतोष? नहीं, ये पंकज। ताजमहल कहां पर? यमुना नदी के तट पर। पर यमुना नदी कहां पर है, मतलब किस शहर में है, ये पूछ रहा था। आगरा में। बहुत बढ़िया, बड़े समझदार। तो आगरा में उनकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज। नाम तो नहीं था मुमताज, ये तो उपाधि थी उसका। जैसे नूरजहां का नाम अपन ने क्या पढ़ा? तो वैसे इसका नाम था आरजुमंद बानो बेगम। आरजुमंद बानो बेगम किसका? मुमताज का नाम था आरजुमंद बानो बेगम। ऐसा बोला जाता है कि शाहजहां इतना प्रेम करते थे उससे, उसको एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं थे। युद्ध अभियान पर भी जाते थे तो अपने साथ में लेकर जाते थे। पता नहीं कैसा प्रेम था। जब वो 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी, कौन सी? 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी, तब उसे दक्षिण के अभियान पर लेके आया। कहां पर? दक्षिण का अभियान। दक्षिण वही बुरहानपुर, बुरहानपुर, बुरहानपुर की बात करें, अपने ही एरिया है ये, कभी चलेंगे अपन घूमने के लिए बुरहानपुर, है ना, अपना ही तो एरिया है, बुरहानपुर नजदीक है यहाँ से। तो उस एरिया में लेके आए थे और 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी, तब उसकी वहां पर मृत्यु हो गई 1631-32 में, उसकी मृत्यु हो गई। और तब ये सदमे में पड़े बादशाह, ऐसा बोला जाता है। और फिर वो जैसे 40 दिन तक, उस मुस्लिम संप्रदाय में 40वां होता है, क्या मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन 40 दिन तक वो एक कमरे में बैठे रहे। और बोला जाता है कि बादशाह जो है जब उस कमरे में गया था तब युवा था, युवा था, और जब 40 दिन बाद उस कमरे से बाहर निकले तो क्या हो गए थे? वृद्ध हो गए थे, दाढ़ी के बाल पक गए, सिर के बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, और फिर जैसे उनको जीवन से कोई मोह ही न रहा। फिर उनके दिमाग में आया ताजमहल बनाने का, और 20-22 साल लगे ताजमहल बनाने। कितने साल? 22 साल तक उन्होंने ताजमहल को बनाने में लगा। पूरा इतिहास हमें पढ़ना है शाहजहां के विषय में। कट्टर सुल्तान माना जाता है, लेकिन मतलब शाहजहां को हम इतना पढ़ते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सहिष्णु शासक था, नहीं, कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक था। इनके बारे में ये भी हम पढ़ेंगे। हिंदू मां का जन्म बेटा अक्सर देखा हमने, अक्सर देखा, जैसे फिरोज शाह, फिरोज, फिरोज के बारे में पढ़ा, सल्तनत काल का शासक, हिंदू माँ का बेटा था, फिर भी वो कट्टर मुस्लिम था, धर्मान शासक सिकंदर लोदी, वो भी कट्टर, वैसे शाहजहां। तो जन्म इसका देखेंगे लाहौर में 1592, जन्म लाहौर कब? 1592 में, अकबर का पोता था, अकबर के समय ही जन्म हो गया था 1592 में। माँ का नाम जगत गोसाई, माँ का नाम जगत गोसाई, कौन थी? मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, जगत गोसाई, माँ का नाम जगत गोसाई। विवाह ये भी पढ़ लिया अपन ने, विवाह किससे हुआ?
आसफ खान, आसफ खान की पुत्री, नाम क्या था? अभी बताया मैंने, अभी बताया, आर्जुमंद बानो बेगम। हाँ ठीक है, आर्जुमंद बानो बेगम, जो बाद में क्या बनेगी? मुमताज महल, मुमताज महल। कौन थी ये आर्जुमंद बानो बेगम? आसफ खान की पुत्री। ठीक, इसे मलिका ए जमानी व मुमताज महल की उपाधि दी गई, मलिका ए जमानी व मुमताज महल की उपाधि दी गई। 1631 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में 14वें संतान को, 14वीं संतान को जन्म देते समय बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, शव आगरा में, आगरा में, आगरा में ताजमहल के मकबरे में दफनाया गया। वो पीयूष भैया है, उनका कॉल आया है, मैं काट दे रहा हूं। आगरा में ताजमहल के मकबरे में दफनाया गया। बाद में देखेंगे अपन इसे कैसे दफनाए, क्योंकि तब तो ताजमहल बना ही नहीं था। इसके शव के ऊपर ताजमहल बनाया गया है, कब्र के ऊपर ताजमहल बनाया गया है। 14 संतानों में दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद व शाह सुजा पुत्र जीवित थे। पुत्र, चार पुत्र जीवित बचे उसमें, 14 में से कौन कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह सुजा, चार। शाह सुजा पुत्रियों में जहांआरा, ये नामों का बड़ा महत्व है। जब विद्रोह होगा सम्राट बनने के लिए, तब ये लड़के और लड़कियां, तीनों लड़कियां और चारों लड़कों के बीच में एक कहानी है, उसे पढ़ना जरूरी है। तो लड़कियों में जहांआरा, रोशन आरा और गौहर आरा, गौहर आरा, ये इतने जीवित थे उनके साथ, 14 में से 7। ठीक, 7 हो गए, चार लड़के और 3 लड़कियां। लड़कों में कौन कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सुजा। लड़कियों में जहांआरा, रोशन आरा, गौहर आरा। राज्याभिषेक कब हुआ होगा? राज्याभिषेक 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई है। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक बताया जाए, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई, तो राज्याभिषेक कब हो गया? 1627 में ही होना चाहिए, लेकिन ये था कहां? दक्कन में। और साम्राज्य कहां पर है? दिल्ली आगरा में, दिल्ली आगरा में। और वहां पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष है, क्योंकि किसको बनाना चाह रहे हैं? शहरयार। नूरजहां किसको बनाना चाहते थे? शहरयार को। आसफ खान किसको बनाना चाहता था? खुर्रम को, इसको बनाना चाहता था, लेकिन ये वहां पर था नहीं।
और आसफ खान कोई राज परिवार का तो है, दूर का है, तो इतना अधिकार भी नहीं है, तो वहां संघर्ष होगा, वह संघर्ष होगा। तो राज्याभिषेक की एक हम थोड़ी सी कहानी लिखेंगे। राज्याभिषेक होगा उसका 1628 में, 1628 में लिखेंगे यहां पर। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्कन में था, नूरजहां ने शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन नूरजहां उस समय कहां थी? नूरजहां कहां थी उस समय? अब देखो, छोटी छोटी बातें हमें कहानी के रूप में समझना पड़ता है। ये अपन ने पहले ही पढ़ा था ना, 1626 में इसे बंदी बना लिया था महावत खान ने। वो कहां जा रहे थे? काबुल जा रहे थे, अफगानिस्तान तरफ वापस आ रहे थे। तब लाहौर में थे। अपन ने जहांगीर के बारे में पढ़ा, उसे कहां दफनाया गया? शाहदरा में, लाहौर में, रावी नदी के तट पर। तो नूरजहां उसके साथ में गई थी ना, तो ऐसा तो नहीं कि उसको छोड़ के वापस आ जाएगी। कोई ट्रेन तो थी नहीं कि तुरंत ही गए और वापस आ गए, वो भी उसी के साथ में थी। अब उसने लाहौर से ये घोषणा कर दी कि बादशाह कौन बनेगा? शहरयार बनेगा। लेकिन वो भी दिल्ली या आगरा में नहीं थे, लाहौर में थे। दिल्ली में कोई था तो वो था आसफ खान, और शाहजहां भी कहां था? दक्षिण में। यदि शाहजहां भी रहता तो 1627 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हो जाता, लेकिन वो दक्षिण में था तो उस समय पहुंच नहीं सकता था। नूरजहां ने शहरयार की घोषणा कर दी, लेकिन नूरजहां यहाँ पर है नहीं। शहरयार खुश तो हो सकता है कि मुझे राजा बनाने के बारे में बोल दिया है, लेकिन बनाएगा कौन? क्योंकि मंदबुद्धि भी था, अल्पवयस्क भी था, उतनी समझ थी नहीं, पब्लिक उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। और यहाँ एक खूंखार आदमी दिल्ली में बैठा हुआ था, कौन था? आसफ खान। सब मामलों में मंझा हुआ, नूरजहां का भाई था। तुम डाल हम पात पात वाली वहां कहानी थी, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात थी। तो आसफ खान ने क्या किया? वास्तव में उसका उत्तराधिकारी कौन था? खुसरो था। खुसरो की हत्या हो गई, तो भाई अब हम किसको उत्तराधिकारी बनाए? खुसरो के बेटे को बना देते हैं। आसफ खान ने वहां पे अपना दिमाग चलाया, और खुसरो का एक बेटा था दाबर बख्स। कौन था? डबल बख्श। आसफ खान ने, यहां थोड़ी सी कहानी उलझ गई, आसफ खान ने खुसरो के बेटे दाबर बख्श को सम्राट घोषित कर राज्याभिषेक कर दिया। ऐसा नहीं कि वो दावर बख्श को बनाना चाहता था, नहीं, मजबूरी थी उसकी। भाई ये ऐसा है जिसके बारे में कोई विरोध करेगा नहीं, तो भाई ज्येष्ठ अधिकार के अनुसार बनते हैं, तो इसको बना दो, इसके पुत्र को। और खुर्रम को एक पत्र लिखा शाहजहां को, भाई क्या किया जाए? तो बोले कि मेरे आते तक खुर्रम ने एक पत्र में जवाब दिया, मेरे आते तक दुश्मनों को खत्म करके रख दो, मैदान एकदम साफ मिलना चाहिए। ये हुआ। दाबर बख्श के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? बलि का बकरा। उसको बेचारे को पता भी नहीं था, उसको पता था मेरे पापा की तो हत्या कर दी गई है, तो मेरे को कहां से सुल्तान सम्राट बनाएगी? ये वो तो उसको पकड़ के लाए कहीं से, आसफ खान उसको ढूंढ के लाया कि तुम इस इतने बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो और तुम्हें
सम्राट घोषित कर दिया जाता है, कर भी दिया और बना भी दिया। बेचारे को लग रहा था मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया और बेचारे को बना दिया, राज्याभिषेक भी कर दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं है। और पूरा राजमहल में षड्यंत्र चल रहे, हर दिन 10-15 लोगों की हत्या हो रही है, जिस जो भी लग रहा है कि भाई ये शहरयार का सपोर्टर है, कट्टर जो भी शहरयार का या नूरजहां गुट का व्यक्ति, जहां दिखा वहीं पर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि ये किसका आदेश था? शाहजहां का, खुर्रम का था, कि जो भी विरोधी है उन सबको खत्म कर डालो। बहुत मारकाट हुई, लगभग 4 महीने तक ये शासक रहा, और बाद में जैसे ही शाहजहां पहुंचा सबसे पहले इसकी हत्या कर दी और काम खत्म। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बलि का बकरा। अब ये क्वेश्चन यदि सीधा सा बन जाए कि जहांगीर की मृत्यु के बाद दिल्ली का बादशाह कौन बना, और उसमें दिया रहे एक तो सर कंफ्यूज करने के लिए अकबर, तो बोलेंगे नहीं बेवकूफ बना रहे हो, अकबर तो उसका बाप था, बाद में कैसे बनेगा। फिर दिया रहेगा शाहजहां, तो बोलेंगे शाहजहां उसका पुत्र था। दावर बख्श, बोलेंगे ये कौन है, ये कहां से आया, इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं और गलत कर देंगे, लेकिन ये बना है, ये बना है। कौन बना है? 4 महीने के लिए दावर बख्श। और इसे क्या बोला जाता है? बलि का बकरा। कौन था ये? खुसरो का पुत्र था। किसने बनाया इसे? आसफ खान ने। क्यों बनाया? क्योंकि वो शाहजहां को दिल्ली का बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन शाहजहां दक्षिण में व्यस्त था, इसलिए कुछ समय के लिए बनाया गया। आसफ खान द्वारा लाहौर पर चढ़ाई कर शहरयार को अंधा कर दिया, शहरयार को अंधा कर दिया। शाहजहां आगरा पहुंचकर गद्दी पर बैठा, वह दावर बख्श को गिरफ्तार कर बंदीगृह में डाल दिया, बंदीगृह में डाल दिया। आसफ खान व महावत खान को 7,000 का मनसब प्रदान किया, क्योंकि अब ये महत्वपूर्ण लोग थे। महावत खान उसी के पास में था, अपन ने पढ़ा कि 1626 में उसने विद्रोह किया था, दोनों को बंदी बना लिया था, फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया और कहाँ चला गया? वापस खुसरो के, खुर्रम के पास में चला गया था, और उसने बड़ी मदद की। फिर इधर आसफ खान ने उसके लिए माहौल बना के रखा, तो दोनों को 7,000 का मनसब प्रदान कर दिया। अब बची नूरजहां, अब नूरजहां का क्या करना? बोलेंगे तुम पेंशन लो और उधर ही रहो, इधर आने की जरूरत नहीं है। नूरजहां को 2,00,000 रुपए पेंशन देकर लाहौर भेज दिया, लाहौर भेज दिया। नूरजहां को 2,00,000 की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया, लाहौर भेज दिया। क्लियर हो गया संघर्ष उसका, राज्याभिषेक के लिए संघर्ष। अब इनके समय में कुछ हम विद्रोह पढ़ेंगे, विद्रोह। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। अभी ये हुआ 1628, 1628। बुंदेला मतलब राजपूत, अपन ने पढ़ा ना इसके पिता के बारे में, वीर सिंह देव बुंदेला, जहांगीर का परम मित्र था, और जहांगीर के कहने पर इसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, जहांगीर ने इसे बड़ा मनसब भी प्रदान किया था। तो अकबर की जैसी राजपूत नीति थी, सेम टू सेम जहांगीर की भी वैसी राजपूत नीति थी, लेकिन मैंने पहले बताया शाहजहां क्या था? कट्टर, कट्टर मुस्लिम था। उसने धीरे धीरे राजपूतों को उच्च पद देना बंद कर दिया। तो जुझार सिंह तो चाहता था मेरे पिताजी 2,000 का मनसब थे, तो मुझे ज्यादा का मिलना चाहिए,
लेकिन इसके पद में क्या कर दी इन्होंने, कटौती कर दी, इसको मान सम्मान देना बंद कर दिया। तो जुझार सिंह ने 1628 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। लिखेंगे इसे, जुझार सिंह वीर सिंह देव बुंदेला का पुत्र था, वीर सिंह देव बुंदेला का पुत्र था। जहांगीर सॉरी शाहजहां से मतभेद होने के कारण ओरछा में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। अब हो सकता है जब ये इनका संघर्ष चल रहा था उत्तराधिकार का, तब जुझार सिंह किसका सहयोग कर रहा हूँ, शहरयार का सपोर्ट कर रहा हूँ, नूरजहां गुट में रहा हो कि भाई ये शहरयार शासक बन जाना चाहिए, शाहजहां नहीं बनना चाहिए, और उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो उसको सोचा कि नहीं यार, अब तो हमारी इच्छा के अनुरूप हुआ नहीं, तो इसने क्या कर दी, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम जहांगीर के शाहजहां के अधीन तो शासन नहीं करेंगे, ऐसा उसने बोल दिया। अब शाहजहां ने विद्रोह को दबाने के लिए महावत खान को भेजा, क्योंकि महावत खान उसका सपोर्टर था, 7000 का मनसब दिया था, बड़ी सेना उसके पास में थी। महावत खान को भेजा, महावत खान को भेजा, और जहां गोंडों के गोंडों मतलब जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गोंडों के संघर्ष मतलब एक स्थान का नाम है जहां पर इनका संघर्ष हुआ, जिसमें जुझार सिंह की मृत्यु हो गई। जुझार सिंह की मृत्यु क्या बोलेंगे, हत्या हो गई, युद्ध में मारा गया वो, और ये विद्रोह अपने आप ही खत्म हो गया। क्लियर हो गया। तो जुझार सिंह का विद्रोह 1628, जुझार सिंह कौन था, वीर सिंह देव बुंदेला का पुत्र था। कहां स्वतंत्र शासन की स्थापना की उसने, ओरछा में। दबाने के लिए किसको भेजा, फिर महावत खान को। कौन सा युद्ध, गोंडों का युद्ध हुआ, जिसमें वो जुझार सिंह मारा गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे खानजहां लोधी का विद्रोह, ये क्वेश्चन भी बना है, खानी जहां लोधी का विद्रोह। अफगान जो है अभी खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बचा हुआ ही है, है? तो खाने जहां लोधी का विद्रोह, और ये भी है 1628 से 1631 के तक चला है, 1628 से 1631 तक, 1628 से 1631 तक। कौन था ये, अफगान सरदार, दक्षिण का सूबेदार था, दक्षिण का सूबेदार था, दक्षिण का सूबेदार था। वहां तक तो ठीक था, बढ़िया काम चल रहा है, दक्षिण का सूबेदार है। लेकिन अब जैसे शाहजहां शासक बना, तो दक्षिण की सूबेदारी जो है वो खाने जहां लोधी से छीन कर किसको दे दी, महावत खान को दे दी। लिखेंगे, शाहजहां ने दक्षिण की सूबेदारी महावत खान को सौंपी, जिससे खाने जहां लोधी ने अहमदनगर के शासक, अभी नाम लिखवा दिया था, अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय, अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के साथ संधि कर विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसमें ताल सिहुंडा जैसे ये गोंडों का संघर्ष, और ये ताल सिहुंडा के संघर्ष में खानजहां लोधी की हत्या कर दी गई।
हाने जहां लोधी की हत्या कर दी गई ये विद्रोह भी खत्म हो गया। तो जुझार सिंह का विद्रोह और किसका, खाने जहां लोधी का विद्रोह, ये क्वेश्चन बन जाता है। दोनों ने विद्रोह किसके समय में किया, शाहजहां के समय। तीसरा संघर्ष हुआ इसका पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों से संघर्ष। देखो जहांगीर के समय में दो लोग आए थे, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंग्स 1608 में, और उसके बाद में 1615 में थॉमस रो। और जहांगीर ने उन्हें उनको अच्छा मान सम्मान किया, इंग्लिश खान की उपाधि दी, मनसब दिया, सब कुछ किया, लेकिन उंगली पकड़ के धीरे धीरे वो हाथ पे आ गए। धीरे धीरे उन्होंने अधिकार करना शुरू कर दिया। अधिकार की तो बात थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। जहांगीर की तो बात ठीक है, लेकिन ये कैसा था, कट्टर मुसलमान, तो उसको बात समझ में आई है और उसने इनके ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इनका सिर्फ एक ही कारण था, वह ईसाई धर्म का प्रचार, उसका विरोध करता था। तो लिखेंगे पुर्तगालियों से संघर्ष। 1632 ईस्वी में शाही फरमान का दुरुपयोग किया गया, किसके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। शाही फरमान का दुरुपयोग किया गया, कारण क्या थे युद्ध के, तो कारण भी लिखेंगे, पुर्तगालियों द्वारा हिंदू व मुस्लिम बच्चों को ईसाई बनाया जा रहा था, अगला, भारतीय व्यापारियों से अवैध तरीके से कर वसूला जा रहा था, भारतीय व्यापारियों से अवैध तरीके से कर वसूला जा रहा था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा चौथा जो भी, तंबाकू व दासों का व्यापार किया जा रहा था। तंबाकू, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसने की थी, पुर्तगाली ने, और देखे चले गए तंबाकू। क्लियर, किसको भेजा इसके लिए शाहजहां ने, तो कासिम अली खान को भेजा था, इस पुर्तगाली को नियंत्रित करने के लिए कासिम अली खान को भेजा था, बस मुश्किल से 5 मिनट और दक्षिण नीति पढ़ेंगे हम। दक्षिण अभियान। अब दक्षिण अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि उसने मलिक अंबर से तो निपट लिया था, उससे समझौता कर लिया था, लेकिन ये गड़बड़ किसने की, मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय ने। और ये जो खाने जहां लोधी, ये कहां चला गया, अहमदनगर चला गया, और मुर्तजा निजाम शाह से संधि की उसने, और बोला कि भाई हम क्यों दबे उनसे, वो उधर कुछ भी करे, हम क्यों दबे, तो हमें उनसे लड़ना चाहिए और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त करना चाहिए, ऐसा बहकाया उसे, तो वो इस कारण उसे संघर्ष करना पड़ा। तो दक्षिण नीति में अहमदनगर 1631,
अहमदनगर संघर्ष, अहमदनगर संघर्ष। अब यहाँ का शासक, एक तो शासक की बात करेंगे, तो शासक कौन है? मुर्तजा निजाम शाह, ठीक। और पेशवा कौन था इसका? मलिक अंबर। कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने तो समझौता कर लिया था और ये योग्य भी था, परिस्थितियों को समझता था, उसके अनुसार निर्णय लेता था। लेकिन मलिक अंबर का एक पुत्र है, वह फतह खान, फतह खान। अब इसकी मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर किसको इसने अपना जो पेशवा नियुक्त किया? फतेह खान को। अपना मंत्री किसको नियुक्त किया? फतेह खान को। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि बाप धनवान तो बेटा गुणवान, जरूरी है क्या? नहीं। योग्य पिता का पुत्र भी योग्य हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये बड़ा लालची किस्म का आदमी था ये, इसके सपने कुछ अलग थे, योग्यता हो या न हो। इसे बोला जाता है योग्य पिता का अयोग्य पुत्र। इसने देखो एक छोटे से व्यक्ति गुलाम की तरह से जीवन जिया और कहां पर खत्म किया? नृप निर्माता के रूप में बना, नृप निर्माता के रूप में खत्म किया। और ये उसी पद पर नियुक्त हुआ जहां वो खत्म हुआ, वहां पर इस पद पर नियुक्त हुआ। लेकिन धीरे 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 ये कहां चला गया? पतन की कगार की ओर। तो इसे क्या बोला जाता है? फतेह खान को अयोग्य पिता का अयोग्य पुत्र। मुगलों से साठगांठ की किसने? फतेह खान ने मुगलों से साठगांठ की। वह सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह की हत्या करके हुसैन शाह को सुल्तान बना दिया, सुल्तान बना दिया या गद्दी पर बैठा दिया, गद्दी पर बैठा दिया। शाहजहां ने, शाहजहां द्वारा या शाहजहां ने फतेह खान को रिश्वत दी, रिश्वत दी, उसे घूस दी, 10.5 लाख की रिश्वत दी थी, ऐसा बोला जाता है। कितने रुपए दिए फतेह खान को? 10.5 लाख रुपए दे दिए, स्वर्ण मुद्रा। और उसने क्या किया? वो किला जो है वो मुगलों को सौंप दिया। वो जो हुसैन शाह है उसको बंदी बनवा दिया, स्वयं ने आगे देखा और पूरा का पूरा शासन जो है वो मुगलों को सौंप दिया, महावत खान के अधीन कर दिया। लिखेंगे शाहजहां द्वारा लालच देकर फतेह खान को खरीद लिया, वह महावत खान की सेना ने, महावत खान की सेना ने किले पर अधिकार कर लिया। फतेह खान मुगलों की शाही नौकरी में शामिल हो गए, मुगलों की शाही नौकरी में शामिल हो गए, मुगलों की शाही नौकरी में शामिल हो गए। देखो शासन काल के विषय में शाहजहां का उतना बड़ा योगदान नहीं है, उसका जो योगदान है वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में है। और जब ये पूरा एक शासक और पढ़ना है हमें औरंगजेब, और उसके बाद में हम इनकी स्थापत्य कला पढ़ेंगे, तब शाहजहां को फिर से पढ़ेंगे। 1657 ईस्वी में, 1657-58 ईस्वी में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया गया, शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया गया।
मृत्यु नहीं हुई वहां पर, उसे कैद कर लिया और 1658 ईस्वी में औरंगजेब का राज्याभिषेक हो गया और वो कैद है बेचारा, देख रहा है कैसे बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है। और कब मृत्यु हुई इसकी शाहजहां की, 1666 ईस्वी में। देखो कितना बुरा वक्त देखा होगा बेचारे ने, 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। जिसको साधारण नौकरों व हिजड़ों ने कंधा दिया, और ताजमहल स्थित या आगरा स्थित ताजमहल, आगरा स्थित ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के बगल में दफनाए गए। बहुत दुखद अंत हुआ है शाहजहां का। शाहजहां जो है ऐसा बोला जाता है कि उसने औरंगजेब को बोला था एक बार औरंगजेब को बोला था कि बेटा अब मुझे तो बंदी बना लिया है, कुछ नहीं तो कम से कम छोटे बच्चे ही भेज दो मेरे पास में, मैं उसको पढ़ाते रहूंगा, तालीम दूंगा, कुछ सिखाऊंगा। तो बोलता है औरंगजेब बोलता है कि बूढ़े हो गए लेकिन बगावत करने की आदत अभी तक गई नहीं, कि तुम मेरे विरुद्ध अभी भी बच्चे तैयार करना चाहते हो, ऐसा उसने बोला था उसे। तो बहुत बुरा अंत हुआ। जिस ताजमहल को उसने बनाया था ना, आगरे के किले में उसे कैद किया हुआ था, तो उस आगरे के किले की खिड़की में से वो ताजमहल को निहारता था, ये बोला जाता है। ताजमहल को देखता था वहां से कि कितना अच्छा महल मैंने बनाया और आज मैं काम है। तो बहुत दुखद अंत हुआ है उसका। ठीक, तो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे शाहजहां का बचा हुआ जीवन, जो उसने 6-8 साल बहुत दुखद तरीके से बिताए, और साथ ही शाहजहां के समय में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था चारों बेटों के बीच में, चार बेटे दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और एक कौन सा शाहजहां के बीच में कैसे विद्रोह हुआ। तीन बहनें थी और चार भाई हैं, तो तीनों बहनों ने एक एक भाई का सहयोग किया, तो किस बहन ने किस भाई का सहयोग किया ये भी हम पढ़ेंगे। अंतिम रूप से किसकी विजय हुई ये भी पढ़ेंगे। दारा शिकोह बहुत ही सज्जन व्यक्ति माना जाता है, दारा शिकोह मुगल इतिहास का सबसे सज्जन व्यक्ति माना जाता है। उसने हिंदू ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है, तो बहुत अच्छा शासक माना जाता है। लेकिन उसका अंत भी बड़ा दुखद हुआ था, उसकी हत्या करवा के पूरे दिल्ली शहर में उसे घुमाया गया था, ताकि कोई भी विद्रोह करने की सोचे भी नहीं, यदि कोई विद्रोह करने की सोचेगा तो उसका अंजाम ये होगा, ये करके। जैसे अभी हमारे यहाँ जो गुनहगार होते हैं तो उनका जुलूस निकालते हैं कि नहीं, एसपी महोदय वगैरह जुलूस निकालते हैं, पब्लिक के बीच में उनको बंदी बनाकर पैदल घुमाते हैं, तो वैसा इसका जुलूस निकाला गया था ताकि कोई दोबारा विद्रोह करने के बारे में सोचे भी नहीं। तो बड़े मज़ेदार क्लास होगी कल की भी हमारी, और टाइम यही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल ऐसी ही क्लास के साथ।